अब बिल्कुल देखिए, ये जो पहली अमृत भारत ट्रेन है, अगर इसकी बात करें तो ये अयोध्या से चलकर सबसे पहले बिहार के दरभंगा पहुंचेगी, और दरभंगा से भी जो तमाम सारे रूट से जो बिहार से आना चाहते हैं अयोध्या, वो दर्शन कर सकते हैं, और दिल्ली तक ये सफर जाएगी ये ट्रेन पूरी। और ये देखिए दिल्ली का आनंद विहार तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नई इमारत का, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर दिया है, और ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस तरीके से उद्घाटन किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। ये देखिए यहाँ जो ये स्मृति पट्ट लगाया गया है उसमें से आज ये पर्दा हटाकर यहाँ उद्घाटन किया गया, और इस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, ये नई इमारत, इसका शुभारंभ हुआ। यहाँ पर आपको राज्यपाल भी नजर आ रही हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं, आनंदीबेन पटेल, और साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव भी नजर आ रहे हैं। इस रेलवे स्टेशन के बारे में, इसको जिस थीम पर बनाया गया है, जैसे यहाँ पर उतरते ही जो यात्री हैं उनको अयोध्या में होने का एहसास हो जाएगा और वो पूरे तरीके से राममय होने लगेंगे। यहाँ श्री रामचरित मानस में वर्णित सातों कांडों के बारे में तस्वीरों के जरिए लोगों को जो महत्वपूर्ण प्रसंग हैं, महत्वपूर्ण श्री त्रेता युग में हुए जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं, उनके बारे में लोगों को इन तस्वीरों के जरिए, पैनल्स के जरिए जानकारी मिलेगी, और वो उस अनुभूति में डूबते चले जाएंगे जिसके जिसकी अभिलाषा लेकर वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। श्री राम दर्शन की अभिलाषा लेकर पहुंचे हुए लोगों को सीधे स्टेशन से ही श्री राम जी की अनुभूति होने लगे, उनका एहसास होने लगे, उनके उनकी उनकी कल्पनाओं में जो भगवान राम है वो अयोध्या में आते ही वो साकार होने लगे वो कल्पना, इसकी पूरी कोशिश की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आपको दिखाई दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रेलवे स्टेशन का मुआयना करते हुए किस तरीके से ये रेलवे स्टेशन बनाया गया है, किस थीम पर बनाया गया है, योगी आदित्यनाथ और अश्विनी वैष्णव उनको ये समझा रहे हैं। ये यहाँ पर एक मॉडल बनाया गया है, इस मॉडल में असल में लोगों की जानकारी के लिए भी यहाँ पर इस मॉडल के जरिए लोगों को जानकारी मिले, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये मॉडल और इसके बारे में समझाते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मॉडल के जरिए इस जगह पर किए गए डेवलपमेंट के कार्यों के बारे में बताते हुए रेल मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उनके साथ में आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये अयोध्या में नए रेलवे स्टेशन का आज से शुभारंभ हो रहा है, साथ ही दो नई ट्रेन उनकी शुरुआत होगी, दो नई रेलगाड़ियां यहां से शुरू होंगी, वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन यहां से शुरू हो रही हैं, और साथ में आप यहां देख रहे हैं इस नई इमारत का उद्घाटन। तो अयोध्या रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा, ये नई इमारत का उद्घाटन भी किया गया, और अब कुछ ही देर में देखेंगे आप दोनों नई ट्रेन को फ्लैग ऑफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया जिस रूट से वो गए थे उसी रूट से एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट पर उनको एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, और उसके बाद वापस दिल्ली की तरफ उनकी रवानगी होगी। लेकिन इस समय हमारी संवाददाता भावना किशोर आपको बता सकती हैं वहां रेलवे स्टेशन पर होने वाली तमाम एक्टिविटीज, तमाम हलचल के बारे में। ओवर टू यू भावना। बिल्कुल दिनेश, ये ट्रेन अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम जो स्टेशन है उसका इनॉग्रेशन कर दिया है, अब अगले कड़ी में अगर बात करें तो रेल जो गाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं यानी कि अमृत भारत एक्सप्रेस, जो ये सौगात देने वाले हैं देशवासियों को, और ये ट्रेन जो है वो जोड़ेगी अयोध्या से तमाम राज्यों को। अगर ये बात करें, ये जो पहली ट्रेन है अमृत भारत की, ये जोड़ने जा रही है अयोध्या से बिहार और बिहार से नई दिल्ली के आनंद विहार तक, यानी कि जो राम भक्त बिहार और यूपी से आना चाहते हैं उनके लिए ये ट्रेन एक बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और पूरे वंदे भारत ट्रेन के तर्ज पर इसे तैयार किया गया है। फिलहाल ये देखिए किस तरह से, और अगर बात करें, देखिए हम और आप लंबे समय से देख रहे हैं किस तरह से ये स्टेशन जो है अयोध्या धाम उसे तैयार किया गया है, और जैसे ही राम भक्त स्टेशन पर उतरेंगे तो उन्हें जो राम मंदिर की झलक है वो स्टेशन से ही दिखनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही इस पे कलर पर आप गौर फरमाइए कि किस तरह से केसरिया और काले रंग की इस अमृत भारत एक्सप्रेस की
खूबसूरती आप देख सकते हैं। अंदर भी आप देखिए किस तरह से बच्चे जो बैठे हुए हैं बस प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से इन सभी बच्चों को ये पता चल चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो स्टेशन पहुंच चुके हैं। फिलहाल देखिए सिक्योरिटी जो अलर्ट था वो काफी देर पहले से कर दिया गया था, मीडिया को थोड़ी दूर पे रखा गया है क्योंकि जल्द ही ये जब ट्रेन चलेगी तो हम इस ट्रेन में सवार होकर गोरखपुर तक सफर तय करने वाले हैं और हम दिखाएंगे कि किस तरह से अलग अलग स्टेशन पे लोग इंतजार कर रहे हैं इस अमृत भारत का। और देखिए सामान्य और आम लोगों के लिए अमृत भारत जो है वो बनकर तैयार हुई। आपको याद होगा कि जब वंदे भारत शुरू हुआ था 2019 में बनारस से, उसके बाद कई सारी वंदे भारत एक्सप्रेस देखने को मिली, लेकिन लोगों जो सामान्य और आम लोग हैं उनके मन में एक सवाल था कि क्या हम जैसे आम लोग जो कम पैसे कमाते हैं क्या हमें भी इस तरह की सुविधाएं मिल पाएंगी। तो देखिए अब जिस तरह से वादा किया था भारत सरकार ने, रेल मंत्री ने, कि हम जल्द ही ऐसी ट्रेन बनाएंगे जो पूरी तरीके से अत्याधुनिक होगी। और देखिए ये स्लीपर ट्रेन है, हर सुविधाएं है इसमें। अगर बात करें सीट्स जो है वो पूरी तरह से बदल चुकी है, इसमें फैसिलिटीज की बात करें तो काफी नई नई चीजें जो है वो देखने को मिल रही।